तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामा एफजेड एस वर्जन 3 में आपको कौन कौन से कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं और प्राइस क्या है और एग्जॉस्ट नोट आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पर आपको दो मॉडल जो कि कंपनी ने नया लॉन्च किया है डीलक्स एडिशन में, जो कि ये एक कलर आप देख सकते हैं और एक ये कलर है। बाकी इधर आप जो देख रहे हैं इस साइड में जो भी कलर है ये पहले से लॉन्च हुआ है एफजेड एस 155 में वर्जन 3 की ये सारे मॉडल हैं। तो सबसे पहले हम नए कलर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आपको इसमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको एफजेड एस 3D में लिखा हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको वर्जन 3 स्टिकर में देखने को मिल जाता है जो कि ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। दोनों साइड में आपको सेम चीज़ें देखने को मिलने वाली है, इस साइड भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको स्टिकर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। चेंज आपको यहाँ पे डीलक्स एडिशन में ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको ब्लू कलर का एलो व्हील देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें फ्रंट में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। डुअल डिस्क के साथ ये बाइक आती है। यहाँ पे आपको ABS लिखा हुआ देखने को मिलता है स्टिकर में और यहाँ पे आपको यामा लिखा हुआ देखने को मिल जाता है स्टिकर में और यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको डुअल टोन में ये आपको चीज़ें देखने को मिलती है हेडलाइट में, ये आप नया कलर में देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो कि है मेड ब्लैक में ये कॉम्बिनेशन दिया गया है दोनों कलर। बाकी यहाँ पे आप देखें तीन बल्ब में इंडिकेटर देखने को मिलता है, LED में आपको हेडलाइट वगैरह देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको यामा का स्टिकर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको देखें तो ये आपको हेलोजन बल्ब में पायलट लैंप देखने को मिलते हैं। तो मैं क्विक से बताने की कोशिश करता हूँ क्या कुछ आपको चेंज देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे जो है आपको कलर ब्लू ही देखने को मिलेगा और जितने भी हैं सब मॉडल में टायर साइजेस जो कि बिल्कुल सेम रखा गया है। तो मैं चेंज बता दूँ यहाँ पे आपको C8 Zoom Plus का आपको टायर देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी टायर साइज जो है 100, 80, 70, 60 का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है फ्रंट में। तो बैक साइड में भी आपको ब्लू कलर का ही रिम देखने को मिलता है और बैक साइड में 140, 60, 70 के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं, जो कि सारे मॉडल में आपको सेम टायर साइजेस देखने को मिलेगा। सिर्फ इसमें चेंज यही आपको देखने को मिलता है जो कि है एलो व्हील का कलर ब्लू में दोनों साइड में, ब्लैक फ्रंट और रियर दोनों में, और यहाँ पे आपको LED का हेड टेल लाइट देखने को मिलता है जो कि MT15 में आता है, वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। यही चेंज है आपको डीलक्स एडिशन में देखने को मिलता है। तो बैक साइड के लाइट को हम एक बार दिखा देते हैं, तो बैक साइड का लाइट आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको हेलोजिन में ही इंडिकेटर वगैरह देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टर यहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आप कंसोल मीटर चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ बाकी रियर में भी आपको डिस्क देखने को मिल जाता है और इस साइड में चलें तो यहाँ पे भी आपको चेंज देखने को मिलता है जो कि है सबसे बड़ा चेंज। यहाँ पे आप सीट देख सकते हैं, पहले ज़्यादा कंफर्टेबल है, डुअल टोन में सीट दिया गया है, मैरून और ब्लैक में आपको सीट कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको यामा का स्टीकर और ये गोल्डन कलर में एफजेड एस वर्जन 3 स्टीकर में देखने को मिलता है, ये 3D में देखने को मिलता है। यहाँ भी चेंज जो कि है फ्रंट में आपको गोल्डन कलर का एलो व्हील देखने को मिलता है, 100, 80, 70 का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है जो कि उसमें था। बाकी स्टिकर वगैरह जो भी है बिल्कुल इसमें की तरह ही सेम दिया गया दोनों साइड में स्टिकर और यहाँ पे भी आपको एफजेड एस दोनों साइड में 3D में लिखा हुआ देखने को मिलेगा और वर्जन 3 जो कि स्टिकर में देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में जो रिम का कलर है एलो व्हील का गोल्डन में, रियर में भी आपको वही चीज़ें देखने को मिलता है। बाकी टेल लाइट भी बिल्कुल इसकी तरह ही बिल्कुल इसमें सेम दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। बाकी जो है इसका जो प्राइस है वो 1,40,000 ऑन रोड जाने वाला है डीलक्स एडिशन एफजेड एस का। तो इन दोनों में यही चीज़ें बिल्कुल सेम रखा गया है। बाकी फुल डिटेल्स के लिए आप ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर हम इस साइड चलें अब इस मॉडल में, पुराने वाले मॉडल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफजेड एस स्टिकर में देखने को मिलता है, वर्जन 3 भी स्टिकर में देखने को मिलता है, इसमें क्रोम कलर दिया गया, इसमें गोल्डन कलर। बाकी यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, मेट में इसका ब्लैक कलर है, यहाँ पे आपको यामा का लोगो देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको स्टिकरिंग देखने को मिलता है जो कि ग्लोसी ब्लैक और यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में इसको दिया गया है। बाकी अगर नए वाले डीलर्स में चलें तो यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है दोनों मॉडल में, देख सकते हैं। तो जो पुराने वाला मॉडल था उसमें आपको यहाँ पे स्टिकर वगैरह देखने को मिल जाता है। बाकी हेडलाइट वगैरह बिल्कुल पहले एक तरह का डिज़ाइन बिल्कुल सेम रखा गया है। यहाँ पे आपको
यामा का स्टिकर देखने को मिलता है गोल्डन में, यहाँ पर ABS लिखा हुआ, सिंगल चैनल ABS के साथ आता है। यहाँ पे आपको जो कि है रिम पे स्टिकर देखने को मिलता है ब्लैक कलर का, आपको एलॉय व्हील देखने को मिलता है, यहाँ पे वाइट और गोल्डन कलर का स्टिकरिंग देखने को मिलता है, जो कि पुराने नए वाले मॉडल में बिल्कुल कोई भी स्टिकर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल प्लेन रखा गया है। तो ये कुछ चेंज आपको देखने को मिलते हैं। बाकी बैक साइड में चले तो यहाँ पे आपको ये स्टिकर देखने को मिलता है गोल्डन और वाइट में। बाकी टायर साइजेस वगैरह बिल्कुल पहले की तरह सेम है। मोनोक्स सस्पेंशन आपको सभी मॉडल में मोनोक्स सस्पेंशन और टेलीस्कोपिक फोर सस्पेंशन देखने को मिलता है। और पहले जो लाइट था आप देख सकते हैं कि आपको पहले जो है हेलोजन के साथ ये टेल लाइट मिलता था, टेल लैम्प, और यहाँ पर आप रिफ्लेक्टर वगैरह देख सकते हैं। जो अभी जो आप वो दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको अब MT15 की तरह टेल लाइट देखने को मिलता है, अब LED में देखने को मिलता है। तो ये चेंज आपको ओल्ड और नए वाले में देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे चले कुछ सेकेंड कलर, ये मेट में ही था और ये भी मेट ब्लैक में ही है। तो यहाँ भी आपको चेंज में बता दूँ तो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं FZS 3D में है, Version 3 स्टिकर में लिखा हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी स्टिकरिंग देखने को नहीं मिलता है और इसमें आपको स्टिकर देखने को मिलता था जो कि ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे यहाँ वाइट में स्टिकर लिखा हुआ देखने को मिलता है, ABS भी यहाँ लिखा हुआ देखने को मिलता है और इसमें आपको गोल्डन लिखा हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के एलॉय व्हील के साथ वाइट कलर का स्टिकर देखने को मिलता है और इसमें आपको वाइट और येलो कलर का स्टिकर देखने को मिलता है। बाकी टायर साइज बिल्कुल सेम रखा गया है। और बैक साइड अगर इसमें चलें तो इसमें जो है बैक साइड, इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी आपको सेम वाइट कलर का स्टिकर देखने को मिलता है। बाकी जो चेंज वगैरह है टेलीस्कोपिक और जो मनुष्य सस्पेंशन बिल्कुल पहले की तरह सेम है, सब में वही आपको मिलने वाला है। और अपन नेक्स्ट कलर चले तो ये जो कि है मेड ब्लू में, तो यहाँ पे आपको FZS 3D में लिखा हुआ देखने को मिलता है, Version 3 आपको स्टिकर में, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ भी आपको वाइट में यामा और ABS लिखा हुआ देखने को मिलता है और इसमें आपको वाइट कलर का स्टिकरिंग देखने को मिल जाते हैं। सिंगल चैनल ABS के साथ सारे मॉडल हैं और डुअल DCs में आते हैं, तो दोनों साइड फ्रंट और रियर दोनों में आपको सेम स्टिकर देखने को मिलता है। यहाँ पर इसका ये कलर है तो यहाँ पर देख सकते हैं FZS 3D में लिखा हुआ है, Version 3 आपको स्टिकर में देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको यामा का लोगो देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको यामा का स्टिकर देखने को मिलता है, यहाँ पे ABS लिखा देखने को मिलता है। फ्रंट में यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का एलॉय व्हील के साथ रेड कलर का स्टिकर देखने को मिलता है जो कि फ्रंट और रियर दोनों ही मॉडल में है। और पावर वगैरह दोनों मॉडल जितना भी आप देख रहे हैं सब में बिल्कुल सेम है। 12.4 PS का आपको पावर देखने को मिलता है और 13.3 Nm का आपको पीक टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो ये थे ओल्ड मॉडल का कलर 1, 2, 3, 4 और नए में डिलक्स में 1 और 2 देखने को मिलते हैं। और अभी हम इसके साउंड को सुनते हैं, तो हम एक बार चाबी को करते हैं ऑन, इंजन की स्विच ऑन और यहाँ पे सेल्फ लॉक, तो यहाँ पे आप साउंड सुनेंगे। आपने एग्जॉस्ट का नोट सुन लिया, आप मुझे बताएं कि आपको ये बाइक कैसी लगी, इसका लुक कैसा लगा और क्या कुछ चेंज होना चाहिए था या इतना चेंज अभी के लिए फ़िलहाल काफ़ी है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि यामा एक जानी मानी कंपनी है जो 150 cc की सेगमेंट में काफ़ी अच्छा लुक वाले बाइक प्रोवाइड करते हैं।